तो भाई लोग ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान खुराना ने जो पूजा का रोल किया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन पिक्चर के बारे में अगर बात करूँ तो पिक्चर के स्टार्ट के 15 मिनट में कुछ है ही नहीं। अगर हीरो की एंट्री के बारे में बोलूँ तो एक ठंडे से गाने पे ठंडी सी एंट्री लेता है हीरो। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बोला कि आयुष्मान खुराना का काम मुझे इस पिक्चर में अच्छा लगा, तो एंट्री को अपन अगर छोड़ देते हैं तो 15 मिनट के बाद एक और ऐसा कैरेक्टर आता है जिसका काम मुझे अच्छा लगा। उस कैरेक्टर का नाम है टाइगर पांडे, जो कि देना लेना बैंक से होता है। तो जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष्मान खुराना के जो बाप होते हैं इस पिक्चर में, उन्होंने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा रखे हैं। लेकिन 5-6 महीने से जो क्रेडिट कार्ड का बिल है ना भाई, वो भरा ही नहीं। तो लेना देना बैंक वाला टाइगर पांडे फोन करके परेशान कर देता है। लेकिन एक बार कॉल पे पूजा उससे बात कर लेती है तो भाई साहब खुद ही क्रेडिट कार्ड का बिल भर देता है। तो देख रहे हो पूजा का पावर। तो हमारे हीरो पे जो क्रेडिट कार्ड वाली मुसीबत आई थी ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इससे बड़ी मुसीबत तो उनका इंतजार कर रही है। हमारा जो हीरो होता है वो परी से प्यार करता है, मतलब अनन्या पांडे से। हाँ, मैं उसको मुसीबत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही एक मुसीबत आती है अनन्या पांडे का बाप, मतलब कि परी का बाप, जो कि हमारे हीरो के सामने डिमांड रखता है कि अगर 25 लाख तुम्हारे बैंक अकाउंट में हो और एक अच्छी सी नौकरी तुम्हारे पास हो 6 महीने के अंदर, तो ही मेरी बेटी के साथ शादी तुम्हारी होगी। तो इतनी खतरनाक डिमांड हमारे फटीचर हीरो और उसके बाप के सामने आ जाती है। अब भाई डिमांड को पूरी कैसे करेंगे, क्योंकि लड़की से हमारा हीरो जो है ना वो सच्चा प्यार करता है। तो हीरो को जब कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है तो उसको पता चल जाता है कि बॉस अभी समय आ चुका है हीरोइन बनने का, और फिर उसके बाद वो बन जाता है पूजा। तो पूजा बनने के बाद, बार डांसर बनने के बाद भी हीरो जो है वो 25 लाख रुपए जुटा नहीं पा रहा है। पर तभी हीरो के सामने आ जाता है 50 लाख रुपए का ऑफर, वो भी सामने से चल के। पर शर्त यह है कि पूजा को शादी करनी पड़ेगी शाहरुख के साथ, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। तो देख रहे हो हीरो को प्यार के चक्कर में क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है। यहाँ वो पूजा बने घूम रहा है, लेकिन अब तो उसके अंगूर, संतरे, बनाना, पपीता, तरबूज सब खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि उसको अब 50 लाख रुपए लेने के लिए तो शादी करनी पड़ेगी। और क्या लगता है आपको, 50 लाख का ऑफर पूजा ठुकरा देगी या अपना लेगी, कमेंट में जरूर बताना। तो फिल्म की कहानी बस इतनी सी है कि परी के बाप की जो डिमांड है उसको पूरी करने के चक्कर में एक हमारा मिडिल क्लास जो हीरो है उसके अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन ये भी फिल्म का हीरो है, पिक्चर के एंड में इन सबके लगा देता है, लेकिन वो भी अच्छे ढंग से। एंड में एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा ज्ञान बांटा गया है और उसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है। तो जैसे मैं स्टार्ट में बोला मूवी के बारे में कि हीरो एक ठंडी सी एंट्री लेता है, 10-15 मिनट बाद एक सीन होता है जो कि अच्छा होता है, और फिर मूवी ठंडी पड़ने लग जाती है। लेकिन पेट पूजा के ब्रेक के पहले ही एक सीन आता है जो कि अच्छा था। पेट पूजा मतलब इंटरवल, और मैं बता रहा हूँ इंटरवल के बाद के जितने भी सीन से वो आपको इंटरवल के पहले के जितने सीन्स थे उनसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो मतलब वहां से कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है पिक्चर में। बीच बीच में पिक्चर फीकी पड़ने लग जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण से पिक्चर फिर से उठने लगती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ पिक्चर के बारे में तो फर्स्ट हाफ में इतना दम नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ मुझे अच्छा लगा। और आप इस मूवी को एक चांस दे सकते हो, मतलब थिएटर में जाकर देख सकते हो। और अगर नहीं देखना चाहते तो बॉस नेटफ्लिक्स पे भी मूवी जल्द ही आ जाएगी, तो नेटफ्लिक्स पे देखने का वेट कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि आप इस मूवी को थिएटर में देखना चाहोगे या नेटफ्लिक्स पे आने का इंतजार करोगे। लेकिन अगर बॉस आपसे वेट नहीं हो रहा है OTT पे पिक्चर कब आएगी और कब देखोगे, तो थिएटर में जाके देख सकते हो और आयुष्मान खुराना को एक चांस दे सकते हो, क्योंकि यही तो है जो पिक्चर को उठा के चल रहे हैं। और साथ ही मैं सपोर्टिंग कास्ट की भी अगर बात करूँ तो सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया थी बॉस। ये कोई ऐसी बेहतरीन सी पिक्चर भी नहीं है, लेकिन ओके है, आप इस पिक्चर को देख सकते हो, एक ट्राई तो देना बनता है। तो अपन फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।